हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज लूथर को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूथर, वैसे तो मैंने ये सीरीज करीब 8-9 महीने पहले देखी थी, जब ये खबर पहली बार आई थी कि अजय देवगन इस सीरीज का रीमेक करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से आज इस सीरीज को रिव्यू करने का सही टाइम आ गया है। तो लूथर ये बीबीसी की एक टीवी सीरीज है, जिसके 5 सीजन में टोटल 20 एपिसोड हैं, और हर एपिसोड करीब 50 से 60 मिनट के बीच का है। और हाँ, ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी है जॉन लूथर नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और इस चीज के कारण वो अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब लूथर एलिस मॉर्गन नाम की एक साइकोपैथ को सबूत न होने के कारण पकड़ नहीं पाता है, और इस चीज के कारण लूथर की लाइफ में क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो मुझे ये सीरीज पर्सनली काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि जिस तरह से लूथर के कैरेक्टर को इस सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर धीरे धीरे जिस तरह से उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है, वो सब देखने में काफी अच्छा लगता है। और लूथर के कैरेक्टर के साथ जो भी इस सीरीज में होता है उसे हम फील कर पाते हैं, और जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन में लूथर और एलिस के रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है वो भी देखने में काफी अच्छा लगता है। और मैंने इस पूरी सीरीज में इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा एंजॉय करा, लेकिन 5th सीजन में इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें थोड़ा ड्रैग होते हुए लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही हमने पिछले सीजनों में भी देखा था। लेकिन इस सीरीज की जो असली जान है वो तो इसका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट ही है, मतलब इस चीज में आप इसके पहले सीजन से लेकर 5वें सीजन तक एक भी गलती नहीं ढूंढ पाओगे। और जिस तरह से इस पूरे झमेले में एलिस के कैरेक्टर को यूज किया है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एलिस का कैरेक्टर हमें इस पूरी सीरीज में काफी ज्यादा सरप्राइज करता है। लेकिन अगर हम एलिस और लूथर के कैरेक्टर को हटा दें तो इस सीरीज में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और इन दोनों के अलावा किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया कि वो हम पे कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए। और 4th सीजन में जिस तरह से पूरी सिचुएशन में लूथर अपने आप को डाल लेता है वो भी हमें उतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती है। और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन वो काफी आसानी से इग्नोर हो जाती हैं। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे आप लीड्स की बात करो या फिर सपोर्टिंग कास्ट की, सभी का काम काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिन्होंने मार्टिन के कैरेक्टर को प्ले कराया उनका काम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और उन्हें मैं इस सीरीज में और भी ज्यादा देखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, स्पेशली इसके 4th सीजन की। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी अच्छी सीरीज है, जिसे आप देख सकते हो, आप इंजॉय करोगे। लेकिन इस सीरीज का रीमेक क्यों बन रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज कोई मास्टरपीस तो है नहीं, तो रुद्रा के मेकर्स इस सीरीज को रीमेक क्यों कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। और अगर आपने इस सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।